क्या आपके घर में भी ऐसा होता है जब आप खिचड़ी बनाने का नाम लेते हैं तो सबके मुंह बन जाते हैं? तो आज मैं दिखाऊंगी अपना फेवरेट तरीका खिचड़ी बनाने का, जो कि मेरे घर में भी सभी को बहुत पसंद आता है, बनाने में आसान, खाने में बहुत ही टेस्टी। तो चलिए मैं दिखाती हूँ मैं इसको कैसे बनाती हूँ। इसके लिए यहाँ पर मैंने एक पैन में थोड़ा सा तेल गर्म किया है और इसमें मैं ना ये थोड़े से कच्चे आलू डाल रही हूँ और यहाँ पर मेरे पास है थोड़ी सी गोभी। तो इन दोनों को डाल के ना हम थोड़ा सा सौते कर लेंगे और आलू और गोभी पे अच्छा सा जब तक ब्राउन कलर ना आ जाए और ये थोड़े से पक ना जाए तब तक पका लेना है। तो जब तक हमारा आलू गोभी कुक हो रहा है आइए बाकी की तैयारी कर लेते हैं। तो हम खिचड़ी में ना ढेर सारी सब्जियां डालेंगे, इसके लिए मैंने बीन्स ली हैं, गाजर ली हैं, थोड़े टमाटर और ये फ्रोज़न वाले मटर हैं, फ्रेश भी ले सकते हो, और बस हमें ना इनको काट लेना है। तो आप अपनी मनपसंद कोई भी सब्जियां ले सकते हो। बहुत सारे लोग ना इसमें जो स्वीट पोटैटो होता है या शकरकंदी या फिर कद्दू है वो भी इस्तेमाल करते हैं, पर मुझे ना उसको डाल के थोड़ा खिचड़ी मीठी मीठी लगने लगती है तो मैं नहीं डालती हूँ। तो खिचड़ी ना अलग अलग स्टेट्स में ना अलग अलग तरीके से बनाई जाती है। तो आज ये जो खिचड़ी मैं बना रही हूँ ये थोड़ी सी ना बंगाली स्टाइल खिचड़ी है। इसमें जो कुछ सब्जियाँ हैं वो हल्की सी फ्राई होकर डलती हैं, जैसे आलू गोभी को मैंने हल्का सा फ्राई किया है, और कुछ सब्जियाँ जो हैं खिचड़ी बनाते समय दाल चावल के साथ डलती है। तो पूरी रेसिपी ज़रूर देखिएगा, बहुत ही यमी खिचड़ी बन के तैयार होगी। तो ये देखिए हमारी चॉपिंग होके बिल्कुल तैयार है और आइए फटाफट आलू गोभी चेक करेंगे। और यहाँ देखिए हमारे आलू गोभी भी बहुत अच्छे से फ्राई हो गए। तो हम क्या करेंगे, इनको एक प्लेट में अलग से निकाल लेंगे और बचे हुए तेल में हम डालेंगे 2 तेज़पत्ते, 1 चम्मच जीरा, 2 से 3 सूखी लाल मिर्च, 1 इंच अदरक बारीक कटा हुआ, साथ में डालेंगे थोड़े से लौंग, मतलब 4 से 5 लौंग और 7 से 8 काली मिर्चें, और इनको ना हमें हल्का सा पहले भून लेना है। तो आज मैं इस खिचड़ी में प्याज और लहसुन का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, अगर आप चाहें तो इसमें प्याज और लहसुन दोनों डाल सकते हैं। तो ये देखिए हमारा अदरक बहुत अच्छे से भुन गया है, हम इसमें टमाटर डाल देंगे जो कि हमने काट के रखे हैं, और साथ में मैं इसमें थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ जिससे कि टमाटर अच्छे से गल सकें, और बस टमाटर को हमें बहुत अच्छे से भून लेना है। तो ये देखिए हमारे टमाटर बहुत अच्छे से गल गए, तो इस टाइम हम इसमें डाल देंगे 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून के करीब लाल मिर्ची का पाउडर और 1 टेबलस्पून मतलब 2 टीस्पून धनिया पाउडर। इन सबको डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब यहाँ मेरे पास है धुली ही मूंग की दाल, तो मैंने 1 कप मूंग की दाल ली थी और इसको अच्छे से पानी से धो के 1 घंटे के लिए सोक कर दिया था। इसके साथ ही मेरे पास है यहाँ पर चावल, तो 1 कप चावल को मैंने अच्छे से धो के सोक कर दिया था, और ये चावल सोना मसूरी राइस है। आपके यहाँ जो भी छोटा वाला चावल आता है, मतलब बासमती चावल ना हो, उसका इस्तेमाल करें। इसके साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी कटी हुई सब्जियाँ, इसमें डाल देंगे थोड़ा सा और नमक, और इन सभी चीज़ों को ना हम बहुत अच्छे से मिला के कम से कम 5 से 6 मिनट तक तेज़ आंच पे भून लेंगे। दाल और चावल को मैंने बहुत अच्छे से 5 से 6 मिनट भून लिया है और अब मैं इसमें डाल रही हूँ पानी। तो मैं यहाँ पर जितना दाल और चावल था ना उसका एकदम डबल पानी डाल रही हूँ अभी, बाकी पानी हम बाद में डालेंगे। तो यहाँ पर 1 कप दाल और 1 कप चावल था, इसके लिए मैंने यहाँ पर 4 कप पानी का भी इस्तेमाल किया है। हम इसको कवर कर देंगे और 10 मिनट तक अच्छे से पकने देंगे। खिचड़ी को पकते हुए अभी 10 मिनट हुआ है और आप देखें सब्जियों ने ना अच्छे से पानी को एब्जॉर्ब कर लिया है। तो अब हम स्टेज पे क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको एक बार मिला देंगे। इसमें डाल देंगे हम ये मटर और साथ में मैं इसमें डाल रही हूँ 3 कप गर्म पानी। तो वैसे तो आप ये खिचड़ी ना कुकर में भी बना सकते हो, पर अगर आप इस तरह से बनाते हो ना तो ये और भी ज़्यादा टेस्टी बनती है। और बस हम इसको कवर करके अब इसको कम से कम 15 से 20 मिनट तक पकाएंगे, या जब तक चावल और दाल अच्छे से पूरी तरह से पक ना जाए। खिचड़ी को पकते हुए थोड़ा और टाइम हो गया है, तो ये देखिए कितने अच्छे से ये घुल गई है और इसमें पानी भी बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर आप इसको ना 1 से 2 घंटे बाद खाने जा रहे हो ना, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी इसमें थोड़ा गर्म पानी और मिला लें, क्योंकि जैसे जैसे खिचड़ी ठंडी होती है ना और थिक हो जाती है। और अब हम इसमें डाल देंगे 1/2 चम्मच गर्म मसाला, और ये जो आलू गोभी हमने फ्राई करके रखे थे ना ये इस टाइम मिलाएंगे हम इसमें। इन दोनों को बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो आलू गोभी ना आप अलग से डालिए तो ना, एक तो गोभी घुलता नहीं है और आलू गोभी खाने में ना बहुत ही टेस्टी लगते हैं। और बस हम इसको साइड में रखेंगे और आइए फटाफट इसके लिए एक तड़का तैयार करते हैं। खिचड़ी में ना जब तक देसी घी का तड़का ना लगे ना तो खिचड़ी का स्वाद अधूरा रह जाता है। तो बस मैंने यहाँ पर 1 चम्मच देसी घी लिया है, मतलब 1 टेबलस्पून देसी घी लिया है, इसको हम अच्छे से गर्म करेंगे। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ एकदम थोड़ा सा जीरा, तो हम पहले भी डाल चुके हैं इसलिए थोड़ा ही सा डालेंगे। साथ में मैं इसमें डाल रही हूँ हींग, तो खिचड़ी में ना हींग का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, आप इसको स्किप ना करें। और यहाँ पर है मेरे पास थोड़ी सी कटी हुई हरी मिर्च, मैं वो भी डालूंगी, और इनको हम हल्का सा मिक्स करेंगे और बस गैस को हम ऑफ कर देंगे और इसमें डाल देंगे 1/2 चम्मच के करीब कश्मीरी लाल मिर्च, और बस ये तड़का हम लगाएंगे खिचड़ी के ऊपर।
और हम इसके ऊपर डाल देंगे थोड़ा सा बारीक किया हुआ धनिया और इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए हमारी गर्मा गर्म बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी खिचड़ी बनके तैयार हुई है। तो खिचड़ी के साथ ना मोस्टली रायता, पापड़ और चटनी सर्व किया जाता है, तो आज मैं बहुत ही यमी सा एक रायता बना रही हूँ। इसके लिए मैंने चुकंदर, टमाटर और गाजर को छोटा छोटा कट किया है और इसमें मैं डाल रही हूँ करीब 1/4 टीस्पून जीरे का पाउडर। तो भुने जीरे का पाउडर यूज़ किया है मैंने। 1 चम्मच मैं डाल रही हूँ काला नमक, 1/2 चम्मच मैंने डाला है नॉर्मल सादा नमक और इसमें हम डाल देंगे दही और बस इसको हम बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो आप इसमें प्याज, खीरा भी कट करके डाल सकते हो, वो भी बहुत टेस्टी लगता है। तो ये देखिए दही को मैंने बहुत अच्छे से मिक्स कर दिया है और बस अब मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़े से बारीक किए हुए पुदीने के पत्ते और थोड़ा सा धनिया। और ये देखिए हमारा रायता भी तैयार है और खिचड़ी भी तैयार है। आइए फटाफट इनको सर्व करते हैं। तो मैंने आपको बोला था ये थोड़ी बंगाली स्टाइल है, तो उसमें ना हल्की सी शक्कर डालते हैं जो कि मैंने नहीं डाली है, आप चाहो तो वो भी डाल सकते हो। तो ट्राई करिएगा, ये वाली खिचड़ी ना बहुत बहुत टेस्टी लगती है एंड आई होप ये आपको भी बहुत पसंद आए। अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।